नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दूसरा डोज न लेने वालों पर प्रतिबंध, देश में बढ़ेगा ठंड का प्रकोप। प्रियंका ने तलब किया 18 एमएलए, छत्तीसगढ़ में हो सकता है बड़ा फैसला। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने संकेत दिए हैं कि कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज न लेने वालों पर कठोर प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। कई लोगों ने दूसरा डोज लेने में कोई रुचि ही नहीं दिखाई, ऐसे लोगों की संख्या 1.5 से 2.25 करोड़ के करीब है। जबकि वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है, किंतु लोगों का दूसरा डोज से पीठ फेरना समझ से परे है। अजीत ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लगाने के कदम उठाने से ही शायद लोग दूसरा डोज लेंगे। अगली खबर, मौसम में बदलाव जारी है, आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप बढ़ने के आसार है। वहीं गुरुवार को ओडिशा सहित कुछ राज्यों में बारिश होने की खबर है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ रही है। दिन और रात के तापमान में गिरावट हो रही है। वहीं शुक्रवार को उत्तरी हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली में ठंड बढ़ने की संभावना बनी हुई है। झारखंड में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, कई इलाकों में धुंध और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट जारी रहेगी, ठंडी हवा से सर्दी का सितम बढ़ेगा। अगली खबर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुलाया है। जिनका दिल्ली बुलावा आया है, उनमें कई वरिष्ठ विधायक शामिल है। बताया जा रहा है कि इन विधायकों को संगठन और चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में इन विधायकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दिल्ली में विधायकों से चर्चा के बाद उनकी आगामी चुनावों में भूमिका स्पष्ट हो सकती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी के बुलावे पर वरिष्ठ विधायक कुलदीप जुनेजा, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक अरुण वोरा दिल्ली गए हैं। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।